सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली मैं आज सोच रहा हूँ कि एक रिप्लाई दे ही दूँ, बड़े टाइम से रिप्लाई नहीं दे पाया। कुछ छपरी बोल सकते हैं, कुछ छपरी यूट्यूबर्स बोल सकते हो, क्यूट गर्ल्स बोल सकते हो। एंड बेसिकली मेरे को दो तीन कमेंट्स आए थे, ज़्यादा नहीं आए। एंड कुछ जो आए वो कुछ ज़्यादा जो मतलब कि मेन थे ना, बाकी बहुत अच्छे कमेंट्स आए कि सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा। एंड बेसिकली बात करना चाहूँ कि एक लड़की है जिसने कमेंट किया, आई डोंट नो वो लड़की है फेक आईडी है, उसने मेरे को सुगंधा शर्मा के नाम से आईडी है। एंड उसने मुझे बड़े मतलब कि एक बोलते ना कि एक फैमिली बैकग्राउंड बताता है कि वो लड़की किस मतलब कैटेगरी में फॉल करती है। तो उस लड़की का जो वे ऑफ टॉकिंग और जो मैसेज थे ना, बहुत ही घटिया। मीन्स लगता है कि वो कहाँ से आए। अगर वो वीडियो देख रही हो तो तुम्हारे लिखने से और तुम्हारे बात करने से पता चलता है कि तुम्हारे क्या ही बोलूँ मैं, कुछ समझदार हो। तो बाकी किसी के चैनल पे मेरे बारे में किसने बोला था कि भाई मैं एक मोटो व्लॉगिंग अपनी दुकान नहीं संभलती तो बाइक ले ली है महंगी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ भाई, ये बाइक तो मैंने ली है लेकिन अपने पैसों से लिया। जिस दिन यूट्यूब के पैसे से लूँगा ना तो फिर सोच लेना कि वो कौन सी बाइक आएगी। तो ये जो मेरी मेहनत है ना, ये मेहनत करके आई है। तुम लोगों की तरह फुकरागिरी और क्यूट गर्ल करके नहीं मैंने लाई है, ठीक है। आगे भी मैं चलूँगा तो अच्छा कंटेंट लाऊँगा, नहीं तो नहीं लाऊँगा, ठीक है। तुम जैसे क्यूट गर्ल ये सब मेरे से नहीं हो सकता। और मैं बेसिकली अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, कुछ घटिया अपनी जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है उसको तुम जीरो करने वाले हो। मीन्स वो आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तुम्हें अगर फॉलो करते ना जनरेशन, तो तुम्हें देख के क्या ही सीखेगी। कम से मुझे देखेगी तो मुझे कुछ देख के कुछ सीखेगी, हर एक चीज़ें उसमें सीखने को मिलेगी या कुछ दिखाने को मिलेगी। जैसे कल मैंने वीडियो डाली जम्मू में जो फ्लाईओवर ओपन हुआ है, तो मैं दिखाना चाहता था जो लोग जम्मू में नहीं है उनको भी दिखाना चाहता था, और जो लोग जम्मू में हो के भी वहाँ नहीं जा सकते उनको भी दिखाना चाहता था। तो मीन्स मेरी वीडियोस में ना कुछ नॉलेज होती है, कुछ मीनिंगफुल होता है। तुम जैसे उसकी तरह नहीं कि क्यूट गर्ल दिखा दी, फेक चीज़ें दिखा दी, तो ये फ़र्क है तुम में और मेरे में और सोच में, ठीक है। कुछ भी लिखते हो ना तो सोच समझ के लिखा करो या बोला करो किसी के बारे में। बेसिकली तुम उस लायक भी होना चाहिए कि तुम किसी के बारे में बोल रहे हो। और कुछ अच्छा कंटेंट बना लो, बच्चों को कुछ अच्छा सिखा लो। आगे तो जनरेशन वैसे भी तुम लोगों की वजह से पता नहीं क्या सीखने वाली है। तुम जैसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ तुम ही नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कोई अच्छा चीज़ सिखाना शुरू करोगे, सारे ऐसे करेंगे, तो आगे वाली जनरेशन को अच्छा कोई मैसेज आएगा। और मुझे लगता है तुम्हारी ऑडियंस क्या देखती है, क्या सीखती है तुमसे। बट मैं चाहता हूँ कि जो आगे की फ्यूचर की जनरेशन है हमारी आने वाली, तो उनको कुछ अच्छा मिले सीखने को। बेसिकली और किसी से कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस बेसिकली यही है कि यार तुम आगे जाके कुछ अच्छा सिखाओ लोगों को। आगे इतना कुछ हो रहा है, क्या पूरी दुनिया अजीब सी हो गई है, ख़राब हो गई है, तो कुछ इनिशिएट लो कुछ अच्छा करने के लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे, हमेशा मेरा साथ है, कोई हेल्प चाहिए तो हमेशा मैं साथ में हूँ उन लोगों के। तो बाकी जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड मिलते हैं चलो आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई होगी।